14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे दुनिया भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्स ने भी इस दिन को सेलिब्रेट किया अपने वैलेंटाइन के साथ। और वही ऐसे में हमारे रोमांटिक किंग धर्मेंद्र भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने भी इस बार वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। और आप भी वो नाम जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे इस बार जिनके साथ अपना ये दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि धर्मेंद्र ने इस बार अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे बॉबी देओल ने भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। जी हाँ, बॉबी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है और उसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया है, माई फॉर एवर वैलेंटाइंस #happyvalentinesday। इस तस्वीर में धर्मेंद्र और उनकी पत्नी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि धर्मेंद्र के प्रकाश कौर से 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, 2 बेटियां, विजेता और अजेता। बता दें कि धर्मेंद्र ने 2 मई 1980 को बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां भी हैं, ईशा देओल और आहना देओल। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस बार धर्मेंद्र ने अपना वैलेंटाइन अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ नहीं बल्कि अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ सेलिब्रेट किया। स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।